सुना आपने कितना क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता, अंदर से सॉफ्ट बाहर से एकदम क्रिस्पी। और इसे थोड़ा ज़्यादा ही नाश्ते को बनाना, नहीं तो कम पड़ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा कप सूजी ली है। सूजी मोटी पतली जो आपके पास है वही ले सकते हैं। हम इसमें जिस कप से सूजी लिए थे उसी कप से आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें इसे में और कुछ चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके ली हैं, जैसे धनिया थोड़ी सी बारीक काट कर इसमें ऐड करेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हैं इसमें ऐड कर सकती हैं। हरी मिर्च एक बारीक कटा हुआ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। गोभी हल्की कद्दूकस करके या कट करके लेंगे। बारीक कटा हुआ एक प्याज लेंगे। उसी के साथ हम इसमें एक आलू उबला हुआ कद्दूकस करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और फेसबुक पर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए बजट की रसोई पेज पे। यहाँ पर हमने आधा गाजर लिया है, उसे भी कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो बारीक कट करके या चॉपर में चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। यहाँ पर हम सूजी में पानी नहीं ऐड करेंगे, तभी भी चलेगा, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं बनेगा। एक सीक्रेट चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं, इसीलिए हमने पानी डाला हुआ है। और उसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हमें ऐसे ही इसे छोड़ देना है। उसके बाद कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच गरम मसाला। यहाँ मसाले का इस्तेमाल मैं बहुत कम कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। आधा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, और इस पर क्रिस्पी और कुरकुरा टेस्ट देने के लिए हमने आधा कप चावल का आटा लिया हुआ है। अब सारी चीज़ों को हमें इसमें अच्छे से मिला देना है, गूंथ लेना है। पानी जो है उस्ट्रा सब्जियों में से रिलीव करेगा, तो इसलिए हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम डो तैयार होने के बाद इसमें तेल लगाएंगे, जिससे कि आसानी से ये गूंथ लें। और इस तरह से गूंथ लेंगे और उसके बाद हमें इसे 2 मिनट के रेस्ट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी है। तो ये देख रहे हैं बड़े आराम से ये लोई बन रही है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ते हैं। और चकले को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें और भी चकले के ऊपर डालनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी धनिया मैंने बारीक काट कर डाली हुई है, और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और काला तिल ऐड किया हुआ है, जिससे हमारा जो नाश्ता है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और बच्चे तो इसे मांग मांग के खाएंगे, खास ये बच्चों को। आप इस तरह से रात को तैयारी करके रख सकते हैं और सुबह तुरंत तेल में फ्राई करके उसे दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हथेलियों से हल्का सा पतला कर लिया है, बहुत ही हमें पतला ये नहीं चाहिए। इस तरह से हमें कर लेना है, बेलना नहीं है, इसे ऐसे ही शेप में रखना है। थोड़ा सा मोटा हमें चाहिए, तो इस तरह से चाकू से आप कोई भी कट लगा सकते हैं, चौकोन या त्रिकोण। यहाँ पर मैं 2 ही कट इसमें लगाऊंगी और उसके बाद कढ़ाई में तेल डालकर अच्छे से, तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर कैमरा बंद था इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन देख रहे हैं आप कितना प्यारा कलर आया हुआ है। 2-3 मैंने बाद में भी ऐड किया है। और उसी तरह से हमें मीडियम आंच पर इसे पकाना है, जिससे कि बाहर से ये क्रिस्पी हो, अंदर से अच्छे से पक जाए। तो उलट पलट करके हमें इसे फ्राई करना है। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कितना प्यारा कलर आया। बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे, बड़े भी काफ़ी पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो चलिए इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर दो तरीके से ये टेस्टी नाश्ता बनाया है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। इसकी आवाज़ आपको मैं सुना रही हूँ, कितना ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट मुलायम, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को खासकर टिफ़िन के लिए हमें दिक्कत होती है कि बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं और खाकर नहीं आते, तो इस तरह से उन्हें कलरफुल देंगे और हेल्दी, तो ज़रूर आपके बच्चे टिफ़िन ख़त्म करके ही आएंगे। तो मैं चल रही हूँ अपना लंच करने, आप भी झटपट से बनाइए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी में।